आज गिरिडीह दौरे पर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन रहेंगे। गिरिडीह में विकास कार्यों की शुरुआत की जाएगी। मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शिलान्यास होगा और इस मौके पर कई मंत्री और विधायक मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। ये बड़ी खबर झारखंड से, जहां आज मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन गिरिडीह दौरे पर रहेंगे और गिरिडीह में विकास कार्यों की शुरुआत की जाएगी। मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शिलान्यास होगा और इस कार्यक्रम में मौके पर कई मंत्री और विधायक मौजूद रहेंगे। तो कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री के आगमन का इंतजार किया जा रहा है। गिरिडीह वासियों में मुख्यमंत्री के आने से उत्साह भी देखा जा रहा है। तो मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का आज शिलान्यास होना है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन गिरिडीह को बड़ी सौगात देंगे और इस मौके पर कई मंत्री और विधायक मौजूद रहेंगे। तो आज मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन गिरिडीह दौरे पर रहेंगे और गिरिडीह में विकास कार्यों की शुरुआत की जाएगी। मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शिलान्यास होना है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन लगातार अलग अलग जिलों में जाकर आम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और कई योजनाओं की शुरुआत झारखंड में सीएम चंपाई सोरेन की तरफ से की गई है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का दिन गिरिडीह वासियों के लिए बेहद खास। मुख्यमंत्री गिरिडीह दौरे पर हैं और गिरिडीह में विकास कार्यों की शुरुआत की जाएगी। और गिरिडीह से इस वक्त सहयोगी कुंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंदन, गिरिडीह दौरे पर पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और कई विकास कार्यों की शुरुआत आज होनी है, क्या तस्वीरें वहां की, क्या तैयारी? जी हां बिल्कुल रश्मि, आप देख सकते हैं कि मैं अभी गिरिडीह में मौजूद हूं, जहां पे कार्यक्रम स्थल है। जो कार्यक्रम आज होना है मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का, जो कार्यक्रम होना है वहां मैं मौजूद हूँ। और हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि मंच जो है बनाया गया है और इसी मंच से जो है कह सकते हैं कि गिरिडीह वासियों को एक बड़ी सौगात के रूप में जो है मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जो है यहाँ ये पीरटांड मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना जो है उसका आज आधारशिला रखेंगे, शिलान्यास आज किया जाएगा। 1 बजे से प्रस्तावित कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का। अगर हम लागत की बात करें तो 639 करोड़ की लागत से ये बनने वाली जो पीरटांड मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो है उससे 17 पंचायतों के जो किसान हैं उनके लिए लाभप्रद है। तकरीबन 8513 हेक्टेयर जो जमीन है वो इससे जो है सिंचाई के लिए जो है उपयोग में लाएंगे। हालांकि इस इलाके के जो किसान के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि कार्यक्रम से पूर्व आप देख सकते हैं कि जो वरीय अधिकारी हैं उन्हें ब्रीफ किया जा रहा है कि किस तरीके से कौन सा डेपुटेशन रहेगा और क्या क्या कार्य रहेगा उसको लेकर जो है पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि ऑफिसर्स के द्वारा जो है ब्रीफ किया जा रहा है कि जो भी अधिकारी हैं, जो भी इस सीएम के कार्यक्रम में जो लगाए गए हैं उन्हें क्या क्या जिम्मेवारियां तय की जा रही है। बहरहाल आप देख पा रहे हैं कि पीछे जो है मंच तैयार है और अब से कुछ ही क्षण के बाद, क्योंकि 1 बजे से प्रस्तावित कार्यक्रम है तो थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन 1 बजे से ये बड़ी सौगात के रूप में इस इलाके को जो है खासकर गिरिडीह वासियों के लिए जो है बड़ी सौगात में, चूंकि कृषि प्रधान क्षेत्र के लिए जो अगर इस तरीके का अगर परियोजना लाई जाती है तो कहीं ना कहीं किसानों की खुशहाली जो है इसमें माना जाता है कि प्रदेश और देश की तरक्की के लिए जो है ये बहुत ही लाभप्रद साबित हो सकता है। बिल्कुल कुंदन, कोई लाभार्थी अगर वहां मौजूद है तो उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे लाभार्थी नहीं, चूंकि किसानों के लिए ये बड़ी सौगात देने जा रहे हैं तो निश्चित ही, चूंकि ये सिंचाई परियोजना है, आप तस्वीरों में फिर से मैं कहूँगा अपने सहयोगी प्रदीप जी को कि आप ये देख सकते हैं कि पीरटांड मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना जो है मतलब किसानों के लिए जो है एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन इस क्षेत्र को देने जा रहे हैं। किसानों के लिए ये सौगात है तो क्या कोई आम लोग गिरिडीह वासी वहाँ मौजूद है इस वक्त?
अभी ये कह सकते हैं कि अभी थोड़ा सा अर्ली है, चूंकि कार्यक्रम में थोड़ा विलंब है, तो इसको लेकर जो है लोग अभी यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं। यहाँ पे ऑफिसर का जो है यहाँ पे तैनाती किया जा रहा है और ब्रीफ किया जा रहा है कि कौन से कार्य का और किसको क्या देखना है, उसको लेकर ब्रीफिंग चल रही है। इसके बाद रश्मि जो है एक के बाद एक जो है पब्लिक भी यहाँ पे आएगी, किसान भी या फिर यहाँ के जो वासी हैं वो आएंगे, और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री की जो सभा होगी उसका जो है वो उनकी बातों को सुनेंगे। और चलिए बिल्कुल बिल्कुल कुंदन, हम आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।